का घर आना, तो सर क्या कहेंगे इसका? क्या क्या है सर? पलोल में जो आज यहाँ पे पानी, बारिश का पानी, ड्रेनेज का पानी यहाँ पे दुकानों में चला गया है, तो सर कितनी दुकानों में? बहुत सी दुकानों में। नहीं नहीं गलत मत दिखाओ, एक काम करो, सब लोग पहले जरा इधर घुमा दो, वीडियो घुमा दो थोड़ा सा, इधर 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 इधर, यहाँ पूरा विजिबल कहाँ से पानी जमा हुआ है दुकानों में, वो उसकी भी बात। तो क्लियरली हुआ क्या है, कहीं पे भी जो बारिश का पानी है, अगर आप देखोगे पिछले साल भी ये पूरा भरा रहता था पानी से, ड्रेनेज का पानी कहीं भी, ये ऐसा नहीं कि बाहर से पानी दुकानों में चला गया है। यहाँ साइड में तीन दुकानें हैं जिसका इसके जो बैक साइड है, बैक साइड में एक पुरानी बॉक्स ड्रेन होती थी, बहुत पुरानी बॉक्स ड्रेन जो ईंट से बनी होती थी, बहुत पुरानी है वो, उसके पैरेलल एक और नया ड्रेनेज भी लगा है, लेकिन उस पुरानी बॉक्स ड्रेन में अभी भी पानी रहता है। प्राचीतम उसके जो वॉल्स हैं, वो वॉल्स भी बहुत पुराने हो गए थे, इसलिए हमने नई ड्रेन वहाँ डाल दी थी। पॉसिबली वहाँ से इनके नीचे जो थोड़ा सा बेस है, वहाँ से इन तीन दुकानों में किसी पोर के थ्रू, किसी पंक्चर के थ्रू उस ड्रेन के नीचे का पानी चला गया है। इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द वर्क दैट हैज़ बीन डन, वो इसमें सो आप यही, इसलिए जो हमारी टीम भी है वो देख भी रहे हैं कि इस वजह से तो नहीं है कि जो शॉप की फाउंडेशन है या उसमें कहीं क्रैक है। इसी तरीके से जो अगर फॉर एग्जांपल देखोगे पीछे ड्रेनेज लगा हुआ है, तो अगर ड्रेनेज में आप सीवरेज का बाथरूम का कनेक्शन दे देंगे, उससे भी बैक फ्लो आ सकता है, तो वो एक बार देख लेंगे वहाँ पे क्या हुआ है। बट इट इज़ नॉट, हम लोग, मैं इसीलिए खुद भी आया था, पूरी टीम के साथ में भी आया था, द मोमेंट आई हर्ड सम फ्रॉम सम वन ऑफ यू कि पानी जमा हो गया है, दैट इज़ नॉट द केस। इसका ड्रेनेज अगर आप देखोगे यहाँ से भी, यू कैन जूम इट इन हेयर, इसमें बहुत ही अच्छे से वेल डिज़ाइन, यहाँ से भी एक ड्रेनेज लाइन डली हुई है, इसमें देखोगे आप इसमें पानी बहुत कम है, इट इज़ इसकी कैपेसिटी काफ़ी हाई है। उस साइड से आप देखोगे वहाँ से भी इसका ड्रेनेज अच्छे से डला हुआ है, सो दैट इज़ नॉट। बट ये जो बिल्डिंग है देखोगे, दिस बिल्डिंग इज़ वेरी ओल्ड, ये बिल्डिंग काफ़ी पुरानी है, इसकी फाउंडेशन भी कई बार शॉप्स की फाउंडेशन पुरानी होती है। बैक साइड में जैसे वो ड्रेन है वो भी बहुत पुरानी थी, इट्स पॉसिबल टाइम ड्रेन सीटमाइज कुन जाए, तखमाइज कुन जाए, सो पंक्चर टू गुमुट, वो देख लेंगे, वो टीम भी देख रहे हैं कि इनकी शॉप की फाउंडेशन में कहीं वाटर प्रूफिंग करने की ज़रूरत है या उस जो पुरानी वो ड्रेन है उसको क्लोज करने की ज़रूरत है, क्योंकि अल्टरनेटली हमने नई ड्रेन ऑलरेडी इसमें पीछे से डाल दी है। साथ ही साथ आप ये जानना चाहेंगे जो स्मार्ट सिटी का काम इस वक्त शहरी खास में भी हो गया है, जी अगर हम नवा बाजार की बात करें, लोग परेशान है, वहाँ पे रोड बिल्कुल खस्ता है लेकिन अभी भी इनकम्प्लीट है, लगभग 5-6 महीने तक हो गए वहाँ पे अभी भी मैग्नेटाइज रोड को नहीं किया जा रहा है। कहाँ पे, कहाँ पे? नवा बाजार, दलाल वाला पत्थर में, उसमें जो उसमें काफी अभी काम होना बाकी है, जैसे वहाँ ड्रेनेज तो इस समय डल गया है, वहाँ सीवर लाइन भी डलना है, काफी जगहों में जो इलेक्ट्रिसिटी लाइनें हैं वो भी अंडरग्राउंड होनी है, तो वो सब काम अभी वहाँ जो है हो जाएगा, उसके बाद ही वो रेस्टोरेशन ऊपर का काम। सेम तर्ज पे जैसे यहाँ पहले जब ड्रेनेज डला, इलेक्ट्रिसिटी का डक्टिंग हो गई, सीवरेज का हो गया, उसके बाद फिर सरफेसिंग का काम हो गया, वो उसके बाद की जाएगी। की हालत वहाँ पे इतनी खस्ता है कि जो अगर थ्री व्हीलर की बात करें, वो उसकी उस एरिया की बात कर रहे हैं जहाँ पे इस समय काम चल रहा है, वहाँ पे सर काम कंप्लीट हो गया है लेकिन मैग्नेटाइज रोड को नहीं किया जा रहा है अभी उसमें काम कंप्लीट नहीं हुआ, मैं वही कह रहा हूँ, उसका जो सिर्फ ड्रेनेज जो डाला हुआ है, ड्रेनेज वहाँ से डल गया है और उसके साथ वहाँ सीवरेज भी डालना बाकी है, इस वजह से काम चल रहा है। मैं भी उस पर्टिकुलर लिंक का एक बार देख दो, मैं दो तीन चीजें थोड़ा सा बताना चाहूंगा। एक जो श्रीनगर का टोपोग्राफी है, इट्स लाइक अ सॉसर, कि नेचुरली बाय फिजिकल ड्रेनेज पानी नहीं चला जाता, इसके कंपैरिजन में फॉर एग्जाम्पल अगर आप जम्मू देखेंगे, इट्स लिटिल ऑन स्लोप, तो वो पानी नेचुरल ग्रेविटी के थ्रू चला जाता है, एक तो नंबर वन। नंबर टू, और श्रीनगर सिटी बहुत बड़ा, बहुत पॉपुलेशन बड़ी, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जितना ड्रेनेज नेटवर्क यहाँ बनना चाहिए था वो नहीं बना। पिछले साल हम लोगों ने इनफैक्ट ये कंसल्टेंसी भी हायर की थी मास्टर प्लान बनाने के लिए ड्रेनेज के लिए, तो उसके हिसाब से हमें लगभग और 1000 किलोमीटर ड्रेनेज नेटवर्क बनाने की जरूरत है। तो काफ़ी सारे एरियाज हैं, अक्सर आप देखोगे लेन्स हैं, बाई लेन्स हैं, जो नए एरियाज भी बने हैं, क्योंकि वो मकान बने हैं बीच में जो ड्रेन पहले बनना चाहिए था वो नहीं बना है, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर का एक अच्छा खासा डेफिसिट है, जिसको वो जो 1000 किलोमीटर का तुरंत नहीं बन सकता, इट विल टेक टाइम। इसके 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 बावजूद फिर हम लोगों ने क्या किया है पिछले एक जो 1.5-2 साल से, अगर आप पिछले साल भी 2 साल पहले भी देखोगे, ये एरिया भी पूरा पानी के नीचे होता था, लाल चौक पूरा पानी के नीचे होता था, एमए रोड पूरा लाल चौक पानी के नीचे होता था, आप बिमना बटमालू की तरफ जाएं तो बटमालू के अंदर तो लोगों के पूरा वो घरों के अंदर पानी जाता था, मुमिनाबाद रोड पूरा दोनों साइड से वो पानी के नीचे ही होता था। तो जितना हमारे पास चाहे बजटरी अवेलेबल था उसमें ड्रेनेज को हम लोगों ने उन पोर्शंस में किया है। फॉर एग्जांपल एमए रोड है, तो एमए रोड पे हम लोगों ने दोनों साइड से इसका ड्रेनेज डाला है।
ये जो लाल चौक का पूरा रेजिडेंसी रोड है इस पे ड्रेनेज डाला है, पोलो व्यू का ड्रेनेज डाला हुआ है। इसी तरीके से अगर आप बटमाल मोमिन आबाद देखेंगे बराबर बटमाल उस हाईवे तक का उसमें पूरा ड्रेनेज जो है नेटवर्क डाला गया है। खुमैनी चौक इस समय जिस रोड की फॉर एग्जाम्पल आप बात करते हैं वो रोड इसलिए टूटा हुआ है क्योंकि वहां पे भी ड्रेनेज का नेटवर्क डाला गया है। सो इसी तरीके से शहर के बाकी जगहों पे भी कहीं पे छोटी कहीं बड़ी जगह में ड्रेनेज डाला गया है जिससे काफी हद तक बहुत सारे हमारे जगह हैं जहां जो जो वाटर लॉगिंग है वो कम हुई है, लेकिन अभी भी बहुत सारे जगह हैं स्पॉट्स हैं जिनमें अभी ड्रेनेज की इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड इंप्रूव करने की जरूरत है। एक छोटी एग्जांपल, एमए रोड पे ड्रेनेज है, रेजिडेंसी रोड पे ड्रेनेज, लेकिन टीआरसी का जो बीच में लिंक है इसमें ड्रेनेज का डिफिसिट है, तो वो भी अब हम लोगों ने अभी उसको टेकअप किया है। आई थिंक अगले महीने भर में उसमें भी वो ड्रेनेज सेगमेंट डल जाएगा ताकि वहां पे भी पानी जमा नहीं होगा। सो आइडिया ये है कि जहां जितना भी रिसोर्स अवेलेबल होता है उसमें हम लोग ड्रेनेज को पार्शियली जो है नेटवर्क डाल रहे हैं ताकि एरियाज धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे हैं, बट देयर स्टिल आर वल्नरेबल पॉइंट्स जिसपे जो है हम ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस व्हाट वी डू इज हम लोग अपने मोबाइल पंप वहां इमीडिएटली डिप्लॉय कर देते हैं। पहले ये होता था काफी जगहों में पंप ले जाने के बाद भी वहां पानी नहीं निकल पाता था क्योंकि कहीं आउटफॉल ही नहीं होता था, तो दैट इज अगेन टेकन केयर ऑफ। इसी के साथ जो हमारे डिवॉटरिंग स्टेशन है 85 उनकी अपग्रेडेशन जो है लार्जली मैक्सिमम की हो गई है, कहीं की 5 क्यूसेक की कैपेसिटी है उसको 65 क्यूसेक तक भी बढ़ाया गया है, वर्ल्ड बैंक के फंडिंग से भी, अमृत के फंडिंग से भी, एसएमसी के खुद के फंडिंग से भी, उससे भी बहुत हद तक इम्प्रूवमेंट हुई है। सो एक चीज कहना कि भाई कहीं वाटर लॉगिंग नहीं है वो गलत होगा, हमारे अभी भी काफी सारे पॉइंट्स हैं जहां ड्रेनेज नेटवर्क बनाने की भी जरूरत है और कुछ वल्नरेबल पॉइंट्स भी हैं जहां इंटरवेंशन की जरूरत है, दैट इज वन पार्ट। इसी के साथ इम्प्रूवमेंट, देर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट, ये मैं खुद भी आप भी देख रहे हैं, दिस ये जो सामने वुमेन्स कॉलेज है या बीएड कॉलेज है दिस यूज टू बी ऑल फ्लडेड विथ वाटर, ये अब एक पोलो व्यू मार्केट का आप एक साल पहले का वीडियो देख लीजिए, यू कैन फाइंड इट कि पूरा यहाँ गाड़ियों के साथ पानी बहता था, लाल चौक हमेशा इनंडेटेड होता था, इस समय नहीं है। कॉन्वेंट रोड देखेंगे उसमें भी प्रॉपर ड्रेनेज डाला गया है, इट इज बीन टेकन केयर ऑफ। इसी तरीके से अगर आप मोमिनाबाद रोड देखोगे वो भी पूरा पानी के नीचे ही होता था हर बार, अब देखेंगे उतनी इशू नहीं है। खुमैनी चौक में भी काफी पोर्शन में हुआ है, वहां एक पोर्शन में अभी भी करना बाकी है। सो देर हैज बीन लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट बट अगेन देर इज लॉट मोर दैट नीड्स टू बी डन ऑन दिस। दूसरा एक और चीज मुझे लगता है एक जो थोड़ा सा एक टेक्निकल पॉइंट है कि जब हम कोई भी ड्रेनेज बनाते हैं, से फॉर एग्जांपल रेजिडेंसी रोड का ड्रेनेज जब बनाया गया है इसको डिजाइन किया जाता है एक पर्टिकुलर रेनफॉल के लिए, एक हिस्टोरिकल डेटा लिया जाता है, मान लीजिए 30 mm per hour के लिए ड्रेनेज डिजाइन किया जाता है। नाउ कभी बारिश होती है मान लीजिए 60 mm की, सो इसका क्या मतलब हुआ कि उसको डबल टाइम लगेगा पानी निकलने में, इट इज नॉट अ फेलियर ऑफ ड्रेनेज। कई बार अगर कहीं की ड्रेनेज डिजाइन की गई है सिर्फ 50 mm per hour, अगर 100 mm की बारिश हो जाएगी ऑब्वियसली क्या होगा कि इसमें 1 घंटे की जगह 2 घंटा उसमें निकलेगा। अब सवाल कोई पूछेगा कि भाई 100 mm के लिए आप डिजाइन क्यों नहीं करते हो, तो अगर 100 mm के लिए उसके लिए जो पाइप का साइज है, ड्रेन्स का साइज है, वो बहुत बड़ा हो जाता है। इनफैक्ट हम कैलकुलेट कर रहे थे अगर हमें यहाँ के पीक रेनफॉल के लिए ड्रेनेज डिजाइन करना है तो पूरा रोड जो है दिस रोड एंटायर रोड विल हैव टू बी अ ड्रेन, सो वो नहीं होता है। इसलिए कभी बारिश इंटेंसिवली हो जाती है, वाटर लॉग जमा हो जाता है, इट इज नॉट अ क्लियर डिजाइन फेलियर, उसको जिस डिजाइन के लिए जिस रेनफॉल के लिए वो बनाया गया है उससे डबल रेनफॉल हुई है। इसीलिए अगर आप देखोगे जब भी मॉनसून होता है अक्सर शहरों में बट इट गेट्स रेन्ड आउट आफ्टरवर्ड्स इमिजिएटली, क्योंकि उसमें क्योंकि डिजाइन के हिसाब से वो चीज की जाती है। बट फिर भी हम कोशिश वही करते हैं कि बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल जहां जहां मदद हो सके वहां पे लोगों को मदद भी हो जाए और इमिजिएटली कहीं पंप डिप्लॉय करने की जरूरत होती है वो भी। तीसरी एक और इम्पोर्टेंट चीज, अभी यहाँ रेजिडेंसी रोड पे हम लोग जा रहे थे, एक साथी थे बड़े वो नाराज से थे, जो ड्रेनेज है ड्रेनेज में हम लोग गंदा पानी नहीं डाल सकते, ये बारिश के पानी के लिए है। अगर आपकी दुकान है रेस्टोरेंट है तो आपका पानी नीचे ड्रेन में नहीं जा सकता, इट इज इलीगल, उसमें सिल्ट होता है, उसमें जो है मिट्टी काफी सामान होता है वो कॉगुलेट करता है। इसी तरीके से जो ड्रेन है अक्सर जब भी हम क्लीन करते हैं उसमें पॉलीथीन निकलता है, रैपर्स निकलते हैं, तो वो ड्रेन में नहीं डालने, वो डस्टबिन में डालने, तो
तो अगर वो थोड़ा सा भी हम लोग ध्यान रखें कि घर के बाहर ड्रेन है, इसमें कूड़ा नहीं डालें, कचरा नहीं डालें, गंदगी नहीं डालें, तब सी तो रोजन इन क्लीन. सी एट द एंड ऑफ द डे दिस इज अराउंड 1000 किलोमीटर. अभी हमारे पास लगभग 1100 किलोमीटर का ड्रेनेज नेटवर्क है. इसको अगर इट इज नॉट पॉसिबल टू इतनी जल्दी या इसको डिसल्ट करने के लिए इट विल टेक्स टाइम टू डिसल्ट इट ऑल्सो. पर अगर साथ में पीपल ऑल्सो टेक केयर ऑफ इट के सामने ड्रेन है, गंदगी के ब्लॉक करो निके, रैपर त्राहोस निके, उससे भी दैट विल ऑल्सो हेल्प. थैंक यू.